4 बजे आई रही थी नाने, तभी तो कह रहा हूँ फिर आई रही थी 4 बजे की सपना आई, फिर मैंने कहा कल इतनी ज़्यादा बारिश हो रही थी और नहीं भी तो बारिश तो आज भी होगी शायद, क्योंकि कल परसों में भी होगी क्योंकि बादल वहाँ से आ रहे हैं, लेकिन फिर एकदम से इतना बढ़िया मौसम खुल जाना मैं सुबह सुबह, और मैं अभी अभी उठ रहा हूँ, 11 बजने वाला है। उसका कारण यही है कल रात पता नहीं नींद ही नहीं आई, पता नहीं बिल्कुल नींद नहीं आई, 5 बजे नींद आई, 5 बजे दिन जाके और नींद अभी खुली सी थी, बीच में कोई नींद नहीं खुली। घरों में कपड़े देखो, पहले देखो हमारे घर में देखो, ठीक है, फिर वो देखो उधर देखो, सब लोगों ने कपड़े वो सुखा रखे हैं आज इनके, देखो 2-3 दिन से बहुत ख़तरनाक बारिश थी पहाड़ों साइड, तो उधर को तो धूप, उधर साइड को धूप नहीं है अभी। बाय द वे वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप लोग, चाय पीते उसके बाद मिलता हूँ फटाफट आप लोगों से। कर सकते हो, कितना बज रहा होगा अभी, फिर भी कितना बज रहा होगा, नानी की आरती चल रही है अभी, कितना बज रहा है मैं बता देता हूँ नाना जी। हाँ बोल। दिन के 1 बज रहा है, 1 बजने वाला है, 12:30 हो रहा है और नानी की आरती अभी हो रही है। एक आपकी वाइफ आरती अभी कर रही है नाना जी, इतनी लेट में क्यों कर रही है, पूछोगे आप इनसे क्यों कर रही है, पूछ ले। नहीं आप ही पूछ दो, ओगला क्यों क्यों करना है आरती देर में, उठेंगे उठेंगे देर में, फिर देर है के झाड़े ऊपर थोड़ा करना करने तो कैसे होगा। वो आज क्या है, शंकर चौथ है आज, नानी का व्रत है आज, आज तो फिर लाना होगा कुछ, बेलपत्री भी लानी थी, अभी गाड़ी तो है नहीं, रात को शाम को देखेंगे, चलो 5 बजे तक। लेकिन आज मौसम बड़ा बढ़िया हो रहा है, नहीं बड़ा बढ़िया हो रहा है, टाइमलेस लगा दूं यार एक मिनट, बड़ा मन कर रहा है वहाँ से ऊपर से, पता मैं टाइमलेस कहाँ से लगाता हूँ, वहाँ से लगाता हूँ, वो टाइमलेस पे लगा देता हूँ नाना जी ना, तो तब नानी लगा दूं टाइमलेस पे। हाँ। देखो नाना जी को नाना जी को नहीं पता लेकिन नानी को पता है, क्योंकि नानी को आप टाइम हो गया ना यूट्यूब पे रहते रहते, तो ये बेसिक चीज़ें नानी समझ जाती है। देसी भाई नहीं है। अरे देसी नहीं, बेसिक बेसिक यूट्यूब की बेसिक चीज़ें है ना जो नानी समझ चुकी है अब। वो देखो नैनीताल में देखो धूप आ रखी है एकदम बढ़िया, वो है ये नैनीताल है, ये तो यहीं पे का जंगल है ये वाला सारा, करेक्ट यहीं पे का, मतलब आप लगा लो ये ज़्यादा दूर का जंगल नहीं हुआ है, बहुत बढ़िया आ रहा है, यहाँ का लगाता हूँ इधर साइड का, होप देखते हैं इस फ़ोन में कैसा आता है, मैंने अभी तक चेक भी नहीं किया है ना। दिन के 1 बज ही गया है बस, टाइमलेस बढ़िया होगा आई होप। अब मैं सोच रहा हूँ आज अपने बाल कटाऊँ, वो क्यों, वो इसलिए क्योंकि गाड़ी भी आ गई है टाइम से, और क्या कहते हैं 1 बज रहा है अभी, आज गाड़ी आ गई नहीं तो 5 बजे तक आती थी गाड़ी, उसके बाद देखते हैं नानी बेलपत्री लानी है क्या है, नहीं तो मैं बाल कटाने जा ही रहा हूँ तो बेलपत्री भी ले आऊँगा, मैं सोच रहा हूँ बाल कटा के आ जाता हूँ यार, कब से नहीं कटाए बाल, 1-1.5 महीने से ज़्यादा हो गया, तो फटाफट बाल कटा के आते हैं बस, हो गया खाना बाल कटा के आने के बाद ही, कल ही नहाया वैसे, मुझे फिर से नहाना पड़ेगा, कोई नहीं मैं नहा लूँगा लेकिन फटाफट से। तो एक्चुअली में गाइस अरसों के बाद जंगली से इंसान बनने का टाइम आ चुका है, मतलब मैं जा रहा हूँ बाल कटाने, लकीली वहाँ दुकान भी खुली है अभी, वैसे फ्राइडे आज तो जुम्मे की नमाज भी तो होती है उन लोगों की, तो पता नहीं अब, लेकिन इस वजह से अभी दुकान खुली है, मैंने फ़ोन करके पूछ लिया था, फटाफट बाल कटा के आते हैं, एक और 2 मेडिसिन भी लानी है वो भी लेके आते हैं, बाहर का और काम है वो भी निपटा लेंगे फटाफट। तो अभी बज रहे हैं कितने, 1:30 बज रहा है अभी, खाना खा लो नानी, खाना खा लो, अपन बाल कटा के आते हैं। दवाई का तो हो गया, अब बचा है सिर्फ अपना बाल कटाने का, वो फटाफट कटा के आते हैं। तो अब जाके तो टाइम मिला है, मतलब पहले बहुत टाइम लग गया, 1 घंटा लेट चल रहा है, मैं 1 घंटा पहले आने वाला था आपके वहाँ, तो अभी जाके टाइम मिला, एकदम 2:30 बजे है, हाँ अभी कितने बजे का टाइम,
ढाई बज रहा है एकदम। अब जाके फटाफट बाल कटाता हूँ, लंच मैंने किया नहीं है, मैं पहले ही आ गया था, पता है 1 घंटा लेट हो रखा हूँ मैं अभी भी। तो सब फटाफट यहाँ से बाल कटाते हैं, तो फटाफट जंगली से अब इंसान बन जाते हैं, इतने टाइम बाद बाल कटाने का मौका मिला है। इससे पहले 1-1.5 महीना पहले मैंने बाल कटाया था। मिलता हूँ आप लोगों को। अब फिर 1 महीने बाद फिर से आऊँगा यहाँ, फिर जंगली से इंसान बन गया। अब नानी कहाँ है? हैं? 3 बज गया मुझे। है कोई? है यहाँ? है कोई भी नहीं है, कालू राम को छोड़ के। नहीं है तुम भी? ओहो, मतलब भाई गॉड, मैं कितने बजे निकला था? 1 बजे निकला था और मैं 3 बजे घर पहुँच रहा हूँ। स्टोरी पीछे ही पूरी बता दूंगा, पहले फटाफट नहा लेता हूँ। शाम के 4 बज गए हैं। कुछ नहीं यार, मैं 3 बजे आया घर, 1 बजे निकल गया था। क्यों? क्योंकि मैं, पता है, वो मेडिसिन लेके, तो दवाई लेके मैं जा ही रहा था बाल कटाने के लिए, तो थोड़ा सा दूर पहले अंकल का फ़ोन आ गया, ठीक है, बाहर से, कि उसे स्पार्क प्लग भेजना था घर के लिए, गाड़ी के लिए, तो उसमें लेट हो गया। तो फिर सीधे उसको लेने चले गया मैं वहाँ से, फिर बाज़ार जाके फिर गाड़ी में देने, उसमें देने ही देने में मुझे आधा 40 मिनट तक लग गया था। और क्या कर रही हो? देखो उसको लग रहा है कैट फूड ऊपर रखा है ना उधर। तो फिर पहले कान ढक लेता हूँ यार, अभी अभी नहाया ना, नहीं तो फिर पक्का ठंडा लग जाएगा। तो फिर क्या हुआ कि मैंने क्या किया, जाके फटाफट से स्पार्क प्लग दिया, और फिर गाड़ी वाली को देख के फिर बाल तो कटा नहीं थे, तो मेरे घर नहीं आया, बाल कटा नहीं गया सीधे। तो बाल कटाते कटाते मुझे 3 बजिया, तो पूरा पूरा टाइम लग गया 3 बजे। फिर नहाया धोया और अभी 4 बजिया खाते खाते, भूख तो बहुत लग रही थी, आज सुबह नाश्ता भी नहीं किया था, तो उसकी वजह से भूख भी काफ़ी लग रही थी। आज का टास्क अधूरा है, तो मिलता हूँ आप लोगों को शाम को आराम से। आज उससे नहीं आना है ना, चप्पल से नहीं आना है? वो क्यों नहीं आना है? नानी का व्रत है आज। पूजा किस टाइम पे होगी नानी? चंद्रमा। चंद्रमा जल्दी आता है, देर में आता है? देर में आता है, ये वही वाला दिन है जब चंद्रमा बहुत देर में आता है, मतलब 9 से 10 के बीच में आता है ना। हाँ, तो मैं जा रहा हूँ अभी बाहर को किसी काम से, तब तक नानी शायद प्रसाद बना रही है आज, है ना? ये प्रसाद है जो नानी खुद से ही बनाती है, खुद से, कोई और नहीं बनाता इस पर। सही है, देखो नंगे पांव ही खुद से बनाने पड़ रहा है, सॉक्स पहने हैं हम लोग। है क्या ये नानी? तिल के लड्डू। कैलकुलेशन घर में तैयारियाँ चल रही खतरनाक तरीके से आ रात की। अब जिस टाइम पे चांद आएगा हम, मैं कैमरा उसी टाइम पे ऑन करूँगा, ठीक है? कितने बजे तक होगी पूजा? बाप, मतलब 10 बजे तक उसे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि संग तो मैं ही बजाऊंगा ना। मैं एक अच्छी खबर लाया हूँ सबके लिए, रिएक्शंस देखना, रिएक्शंस। नानी चांद आ चुका है, बस आपको दिखेगा नहीं, थोड़ा ऊपर से दिख रहा है, लेकिन फुल आ गया है चांद। चलो आओ फटाफट जल्दी, और 10 बजे चांद आया है, तो फटाफट सारा आइटम लेके निकलते हैं। आज अपने वहाँ तिल के लड्डू बने हैं, सामग्री तैयार है पूरी, बढ़िया करके आप पूरी बनाओ, हम पूजा करके आते हैं, ठीक है? हाँ, जब शंख और वो मुझे दे दो, ये 2 चीज़ें पहले रखाता हूँ, इसमें 2 है ना चीज़ें, एक हाथ से ब्लॉक करो, एक हाथ से फिर ये चीज़ें भी रखो। तो फटाफट से आधी चीज़ें रखाते और आधी चीज फिर लेने आएंगे कि मम्मी बस। अरे बाप रे, ये बहुत भारी हो रहा है इसको, संख है ना संख। नहीं चांद तो अभी थोड़ा नीचे ही है, लेकिन आ गया है फुल, क्योंकि मैं तो मोमटी से देख रहा हूँ ना, वो देखो मोमटी से तो पूरा देख रहा है चांद, इनकी टंकी के पीछे है, थोड़ा ऊपर आना जरूरी है बस। तो मेरा काम क्या है, मैं संख बजाऊंगा, नानी आरती कर लेगी। अच्छा, मैंने कपूर इसमें डाल दिया, कपूर किसमें डालना है? सवेरे धूप थे ना, धूपे मीने बीने थे, तो यहाँ इसकी पूजा होती है धूपों की। देखो हमने इस पे वो रख दिया ना कपूर, कि ये जल्दी जल जाए, लेकिन एक बात बताऊँ, ये ओरिजिनल कपूर नहीं है, अभी पता लग जाएगा देखने, क्योंकि कपूर एकदम से आग पकड़ता है ना। अच्छा भल वाला है ये। यार ये ओरिजिनल है, देखो
ऐसे में एक लोकल आ रहा है, पता है ना नहीं? नो, जो यहाँ हमारी लोकल दुकान, अभी मैं बजाऊंगा शंख, नानी आरती कर लेंगे फटाफट। एक आरती तो ऊपर छत में होगी, अब एक आरती यहाँ पे होगी। सब भूखे हैं, तुम भी भूखे हो, तो बस आप कुछ नहीं करना है, आप खाएंगे खाना सीधे। इतनी देर से तो पूरियां रेडी है, फटाफट गरम गरम पूरियां रेडी है, फटाफट से पूरियां लेके जाता हूँ। नीचे विपिन भाई भी काफी वेट कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग साथ ही खाते ना, तो 10 बज चुका है एक्चुअली। मैं अभी तो अपने वहाँ क्या क्या बनाया मैं बता देता हूँ आप लोगों को, तो वो दिखाई देता हूँ सीधे बताने से। चलो, अपने वहाँ बनाया आज एकदम 56 भोग बने, 56 भोग कह सकते हैं। जैसे मुंह में पानी, अगर मैं मानो ये दिखाते हुए आप लोगों के मुंह में पानी आ गया ना, कमेंट करके बताना, तो मैं मानूंगा कि वीडियो सही बनी। बड़े पुए ना, आलू के गुटके, थोड़ा अलग टाइप के हरी सब्जी, रायता, मैजिकल राजमा, तो बहुत गर्म है, पूरी, थोड़ी सी रोटी इन लोगों के लिए। रात के कितने बजे? 11 बज गए, 11 बज गया यार, फटाफट ब्लॉग को एडिट करने के लिए बैठते हैं। कल पता है मैं 5 बजे सोया था, तो आज भी ब्लॉग बना है, तो मैं इसे आज भी एडिट करूँगा। पहले मैं सोचा था नहीं एडिट करूँ, मतलब कल वाले में ही एडिट कर दूँ, जैसे मैंने ये वाला ब्लॉग करा था, लेकिन आज क्लिपें बन चुकी थी अच्छी और ठीक भी बनी है, ठीक ठाक बनी है, तो मैं इसे एडिट करूँगा और ये कल आएगा ब्लॉग, मतलब। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा होगा। शंकर डकार आ गया, शंकर चौथ का व्रत था, नानी व्रत था नानी का, और आई होप आप लोगों को ब्लॉग अच्छा लगा। ब्लॉग अच्छा लगा तो दिल से लाइक कर देना और शेयर कर देना, शेयरिंग चालू रहनी चाहिए, जो मैं हमेशा से कह रहा हूँ, आजकल ज़्यादा कह रहा हूँ, पता ही आप लोगों को क्यों कह रहा हूँ बस, तो कर देना शेयर, और क्या, आगे बढ़ाना है ब्लॉग को बस, क्योंकि ये मेरा, क्योंकि हर जगह से लोग देख रहे हैं, क्योंकि मैंने वो नहीं किया है कि मैंने देखा है काफ़ी यूपी साइड से भी, हर जगह से देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हो यार शेयर कर देना ब्लॉग को, और क्या। तो चैनल पे नए हो सब्सक्राइब कर देना, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर देना, अच्छा लगे शेयर कर देना, हमेशा की तरह जैसे आप लोग करते हो। मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।